हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जहां पे मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है स्पेंड डाउन इन मेडिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी किया था इसके लिए तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हैं नहीं गूगल पे या फिर यूट्यूब वग़ैरह पे और मैंने इस वीडियो में स्पेंड डाउन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि डाउन है क्या तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को सम कंज्यूमर्स मेक टू मच मनी टू बी क्वालिफाइड फॉर मेडिकेट इफ दे यूज द एक्स्ट्रा मनी टू पे फॉर मेडिकल एक्सपेंसिस सम ऑफ दिस माइट बी एलिजिबल फॉर मेडिकेट इट्स नॉन एज ए स्पेन डाउन दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि मेडिकेट में एलिजिबिलिटी के लिए थ्रेश होल्ड होता है मेडिकेट में वही एलिजिबल होते हैं जिसकी इनकम लो होती है तो उस लो इनकम का एक थ्रेश होता है जैसे किसी किसी स्टेट में पाँच हज़ार डॉलर या छः हज़ार डॉलर कुछ भी हो सकता है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है हर स्टेट में अलग अलग थ्रेश होल्ड मना जाता है तो इसमें होता क्या है कि कई लोगों की इनकम वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम थ्रेश होल्ड अमाउंट होता है उससे ज़्यादा होती है तो वो लोग मेडिकेट में एलिजिबल नहीं होते लेकिन वो भी मेडिकेट में एलिजिबल हो सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा मनी जो कमा रहे हैं उस थ्रेश से ज्यादा अगर कमा रहे हैं अगर वो अपने मेडिकल एक्सपेंसिस पे खर्चा करते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट तब वो मेडिकेट में एलिजिबल हो जाएंगे आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं मेडिकेट स्पेंड डाउन इज अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल हु हैज इनकम दैट एक्सीड मेडिकेट एलिजिबिलिटी लिमिट्स कैन बिकम एलिजिबल फॉर मेडिकेट बाय स्पेंडिंग डाउन देयर एक्सेस इनकम ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस दोस्तों स्पेंडिंग का मतलब ही क्या होता है स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना तो अगर कोई व्यक्ति मेडिकेट के एलिजिबिलिटी से ज़्यादा कमा रहा है तो वो अगर अपना एक्सेस अमाउंट अगर मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है स्पेंड करता है तो वो फिर मेडिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा वंस द इंडिविजुअल हैज इनकर्ड इनफ मेडिकल एक्सपेंसिस टू रीच द मेडिकेट एलिजिबिलिटी लिमिट दे कैन देन एनरोल इन मेडिकेट एंड रिसीव कवरेज फॉर एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसेस तो वही बात है अगर कोई व्यक्ति मेडिकेट के एलिजिबिलिटी यानी थ्रेश से ज़्यादा कमा रहा है ज़्यादा का अमाउंट है उसके इनकम में तो वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अपने मेडिकल एक्सपेंसेस में ही खर्च करके मेडिकेट की एलिजिबिलिटी में एनरोल हो सकता है और फिर मेडिकेट में एनरोलमेंट के बाद उसके बचे हुए मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा फिर मेडिकेट उठाएगी आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं ऐसे शायद समझ में ना आया हो आपको ये कुछ एग्ज़ाम्पल है पहला एग्जाम्पल है एन इंडिविजुअल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ थ्री डॉलर एंड द मेडिकेड एलिजिबिलिटी लिमिट इन दियर स्टेट इज टू थाउजेंड डॉलर इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर मेडिकेड द इंडिविजल वु नीड टू स्पेंड डाउन वन थाउजेंड डॉलर ऑन मेडिकल एक्सपेंसिस वंस दे हैव इनकर्ड वन थाउजेंड इन मेडिकल एक्सपेंसिस दे वुड भी एलिजिबल फॉर मेडिकेड एंड वुड भी कवर्ड फॉर एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसिस दोस्तों यहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको अगर किसी की इनकम तीन हजार डॉलर है और मेडिकेट की एलिजिबिलिटी है 2000 उसके स्टेट में यहाँ स्टेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट में मेडिकेट की एलिजिबिलिटी के लिए जो थ्रेश अमाउंट रखा जाता है जो फिक्स की जाती है वो अलग अलग होती है तो उसके स्टेट में जैसे दो की है और वो तीन कमा रहा है यानी हजार डॉलर ज़्यादा कमा रहा है तो उसको वो हजार डॉलर अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्चा करना होगा तब जाकर वो मेडिकेट में एलिजिबल होगा कवर होगा वो हजार डॉलर स्पेंड डाउन अमाउंट कहलाएगा दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं अ मैरिड कपल हैज एसेट्स ऑफ डॉलर एंड द मेडिकेड एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर अ कपल इन देयर स्टेट इज वन लाख ट्वेंटी इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर मेडिकेड द कपल वुड नीड टू स्पेंड डाउन थर्टी थाउजेंड डॉलर ऑन मेडिकल एक्सपेंसिस और अदर अलाउेबल एक्सपेंसिस वंस दे हैव स्पेंड डाउन थर्टी थाउजेंड दे वुड बी एलिजिबल फॉर मेडिकेड And would be for अगर कोई कपल है यहाँ ये भी बताता हूँ कि सिंगल पर्सन के लिए अलग अमाउंट फिक्स होता है और कपल के लिए अलग अमाउंट किया जाता है एलिजिबिलिटी के लिए अब उसके स्टेट में एक लाख बीस हजार डॉलर फिक्स किया गया है एक थ्रेश होल्ड अमाउंट मेडिकेट एलिजिबिलिटी के लिए और वो कमा रहे हैं एक लाख फिफ्टी थाउजेंड डेढ़ लाख डॉलर कमा रहे हैं तो उनको थर्टी थाउजेंड डॉलर जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो उनको अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्चा करना होगा या अलाउबल एक्सपेंस जो होते हैं वो मैं बताऊंगा आगे उन पे खर्चा करना होगा तब जाके वो मेडिकेड में एलिजिबल हो पाएंगे आइए एक और एग्जांपल देखते हैं एन इंडिविजुअल हैव एसेट्स ऑफ टेन थाउजेंड डॉलर एंड द मेडिकेड एलिजिबिलिटी लिमिट इन देयर स्टेट इज टू थाउजेंड डॉलर इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर मेडिकेड द इंडिविजुअल वुड नीड टू स्पेंड डाउन एट थाउजेंड ऑन मेडिकल एक्सपेंसेज और अदर अलाउबल एक्सपेंसेस वंस दे हैव स्पेंड डाउन एट थाउजेंड डॉलर दे वुड बी एलिजिबल फॉर मेडिकेड एंड वुड बी कवर्ड फॉर एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसेस तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि जो व्यक्ति या कपल मेडिकेड की एलिजिबलिटी से ज़्यादा कमा रहे हैं और अगर उनको मेडिकेड में एलिजिबल होना है अपने आप को करवाना है एनरोल तो पहले वो जो एक्सेस मनी है जो एक्सेस अर्निंग है उसको अपने मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्चा करना होगा तब जाके वो मेडिकेट में एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ पे नोट है कुछ इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द स्पेसिफिक मेडिकेट एलिजिबिलिटी लिमिट्स एंड स्पेंड डाउन रूल कैन वेरी बाई स्टेट सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक विद योर स्टेट मेडिकेट प्रोग्राम ये मैं बता चुका हूँ कि मेडिकेट की एलिजिबिलिटी हर स्टेट में अलग अलग वेरी करती है स्टेट टू तो स्टेट वेरी करती है किसी स्टेट में थ्रेशरल अमाउंट ज्यादा होता है किसी किसी स्टेट में थ्रेशरल अमाउंट कम होता है तो जो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है उसको अपने स्टेट मेडिकेट प्रोग्राम में जाके चेक करना होता है कि उसके यहाँ थ्रेश होल्ड अमाउंट कितना है और वो एलिजिबल हो पाएगा कि नहीं अब देखते हैं कि नोटिस कौन करता है भाई ये कौन देखता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा कमा रहा है कोई ना कोई तो इसकी देखरेख करता ही होगा कि कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है इसके लिए भी कोई ना कोई अपॉइंट होता है अब देखते हैं ये किसका काम है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मेडिकेट एलिजिबिलिटी एंड वेदर एंड इंडिविजुअल इनकम और एसेट्स

टू डिटरमाइन इफ द इंडिविजुअल मीड्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और नॉट तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई कपल अगर मेडिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनकम की इंफॉर्मेशन या एसेट्स की इंफॉर्मेशन मेडिकेट एजेंसी या फिर थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको देनी पड़ती हैं डॉक्यूमेंट्स वो फिर रिव्यू करते हैं और तब देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है या कपल है वो एलिजिबल है कि नहीं मेडिकेड में इनरोलमेंट के लिए दोस्तों ऐसा देख के कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जैसे राशन कार्ड वगैरह बनते हैं ये भी कुछ ऐसा ही लगता है आजकल तो हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स ने ऐसा रूल निकाला हुआ है कि अगर आप जैसे आपके पास अगर फोर व्हीलर है तो आप राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है किसी के पास तो वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी का घर बड़ा है तो वो भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी घर की सालाना आय इतने से अधिक है कुछ अमाउंट होता है मैं भूल रहा हूँ तो वो भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो ऐसा ही कुछ लगता है मुझे इनका भी मेडिकेट का भी वहाँ भी ये प्रूफ करने के लिए कि वो मेडिकेट में एलिजिबल हैं उनको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होते हैं आइए अब देखते हैं व्हाट आर द मेडिकेट अलाउेबल एक्सपेंसेस इन स्पेंडिंग डाउन हमने ऊपर बात किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मेडिकल एक्सपेंसिस पे खर्चा करता है या हमने एक और टर्म यूज़ किया था अलाउेबल एक्सपेंसिस पे खर्चा करता है फिर वो जाके एलिजिबल हो जाएगा मेडिकेट के लिए तो वो अलाउेबल एक्सपेंसिस क्या थे मेडिकल एक्सपेंसेस तो पता है हमें लेकिन मेडिकेड में अलाउेल एक्सपेंसेस क्या हैं स्पेंडिंग डाउन के लिए आइए देखते हैं सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेडिकेड स्पेंड डाउन आर पहला है मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस सच एज डॉक्टर विजिट्स हॉस्पिटलाइजेशन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड डेंटल केयर ये एक्सपेंसिस मेडिकेड में अलाउबल एक्सपेंसिस में आएंगे लेकिन लग तो ये भी रहा है मेडिकल एक्सपेंसिस की तरह दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग मेडिकेयर प्रीमियम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगला है होम हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पर्सनल केयर सर्विसेज। ये भी अलाउबल एक्सपेंस में आएंगे स्पेंडिंग डाउन के लिए मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट असिस्टेंट लिविंग एंड नर्सिंग होम कॉस्ट सर्टेन होम मॉडिफिकेशन और एडेप्टिव इक्विपमेंट घर में अगर कुछ टूट फूट हो जाए अगर उसको कुछ मॉडिफिकेशन कराना हो तो वो भी स्पेंड डाउन लिमिट में आ जाता है लास्ट है फ्यूनरल एंड प्यल एक्सपेंसेस अगर किसी की फैमिली में कोई फिनरल होता है या किसी को दफनाया वगैरह जाता तो उसमें जो एक्सपेंसिस होते हैं वो भी स्पेंड डाउन में ही आ जाते हैं तो अगर मान लेते हैं किसी की आय टेन थाउजेंड डॉलर है और उसके स्टेट में जो थ्रैश होल्ड अमाउंट है वो तीन हजार की है मतलब वो सात हजार ज्यादा कमा रहा है तो उसको वो सात हज़ार डॉलर इन सब एक्सपेंसेस पे खर्च करना पड़ेगा तब वो जाके मेडिकेड में एलिजिबल हो पाएगा दोस्तों अब बात करते हैं अगर कोई क्लेम हमारा स्पेंड डाउन के लिए डिनाइल हो जाए मेडिकेड से अगर डिनाइल आए डाउन का तब हम उस पर क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें रिव्यू करना है ई जो हमें ई मिलेगी मेडिकेड की तरफ से उसको कन्फर्म करना है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है क्या यह सच में स्पेंड डाउन के लिए ही है उसके बाद हमें यह देखना है क्या हम किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको अपील कर सकते हैं अब ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं वो क्या कहता है उस पर उसके बाद अगर अपील भी अपहेल्ड हो जाए अगर डिनाइड हो जाए तो फिर तो ये पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी होती है तो पहले हमें उसके स्टेट मेडिकेट में जा चेक करना पड़ेगा कि क्या हम पेशेंट को बिल कर सकते हैं स्पेंड डाउन के लिए या नहीं पेशेंट को बिल करने से भी पहले हमें पेशेंट को पूरा कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्यों बन रही है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्पेंड डाउन इन मेडिकेट और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको डिटेल में बता पाओगे दोस्तों आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आप चाहो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो आप एक की तरफ मेडिकल बिलिंग में काम कर रहा है या जिसको भी नॉलेज की ज़रूरत हो तो आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ फिर आपसे किसी नई वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू